देखा भाला है सारा जहां, अपनी लाडो सा कोई कहा, ओ, 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 ओ देखा भाला है सारा जहां, अपनी लाडो सा कोई कहा। अगर कोई और देखा हो किशोरी जी जैसा कृपालु दयालु ममतामयी करुणामयी कृपामयी वात्सल्यमयी तो छूट है, लेकिन अगर किशोरी जी जैसा केवल किशोरी जी ही आपको मिली, उनकी जैसी करुणा कृपा कहीं और आपने देखी नहीं है, तो केवल एक बार, बस एक बार भुजा पसार कर कहना, देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां, ओ, 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 ओ देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां। आई मुश्किल कोई जब कहीं, पाया अंग संग है मैंने वहां, ओ, 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 ओ आई मुश्किल कोई जब कहीं, पाया अंग संग है मैंने वहां, देखा भाला है सारा जहां, भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां, ओ, 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 ओ देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां, ओ, ओ, ओ देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां, ओ देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां। ओ आई मुश्किल कोई जब कहीं, आई मुश्किल कोई जब कहीं, पाया अंग संग है मैंने वहां, ओ, 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 ओ आई मुश्किल कोई जब कहीं, पाया अंग संग है मैंने वहां, देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां, देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहां। राधा राधा राधा।
श्री जी का स्वभाव है। एक बार दूसरी प्रिया जी को समर्पित हो जाए, जो उनके शरणागत हो जाए, फिर उसको निडर हो जाना चाहिए। प्रिया जी ऐसी हैं जो हम जैसे अदमों के लिए लाल जी से भी रूठ जाती हैं कभी कभी, क्योंकि तो प्रिया जी ही एकमात्र ऐसी हैं, श्री किशोरी जी ही एकमात्र ऐसी हैं जो सहज स्वभाव से सब पर कृपा कर दी, सब पर कृपा कर दी। जिस प्रकार वृक्ष भी यह नहीं देखता कि यह पापी है या पुण्यशाली है, जो उसके नीचे आए उसको छाया देता है, श्री गंगा जी, जो गंगा जी में प्रविष्ट होगा उसको शीतलता निर्मलता मिले, उससे भी कई गुनाओं पर श्री जी की शरणागति है। पापी से पापी भी अगर उनके दरबार में एक बार आकर के कह दे हे श्री जी हम आपके हैं, तो श्री जी उसके गुणों पर अवगुणों पर दोषों पर एक पल के लिए भी विचार नहीं करती, सहज उनको स्वीकार कर लेती। नवल प्रिया कृपालु ऐसी, कैसे हूं चरण शरण में आवे, बाधा मिट जाए जैसी। प्रिया स्वभाव मृदुलता नीकी, संग सहचरी वैसी, श्री गोपाल हित लली प्रिया पे, वारो उमा रमीसी, वारो उमा रमासी, नवल प्रिया कृपालु ऐसी। ऐसा स्वभाव है श्री जी का, इसलिए श्री जी को हृदय में विराजमान करो और प्रार्थना करो, कहो भैया। अगर थोड़ा सा इतना हो जाए, जो बाउंसर भैया बैठे हैं आप बैठ जाइए, या आप पीछे चले जाइए, आप पीछे चले जाएं या बैठ जाएं, और ये रास्ता बीच में से अब थोड़ी देर के लिए बंद कर दो। अब महाराज श्री का आगमन हो गया है, बस इनसे ऊपर कोई वीआईपी अब नहीं है। पूज्य महाराज श्री यहाँ विराज जाएंगे, अब जिसको जगन्नाथ महाप्रभु जहाँ स्थान दे वो वहाँ विराजे, और हमारी समिति भी अब बैठकर चरणों में आनंद ले लो, सुख ले लो, नहीं तो व्यवस्था बनाते ही रह जाओ। कल जगन्नाथ महाप्रभु की यात्रा आपको निकालनी है, खूब चलना है, इसीलिए आज आपको थोड़ी देर विश्राम दिया है नाम संकीर्तन के माध्यम से। बैठो, अब सारी व्यवस्था उनके हाथ में सौंपो। महाराज जी का आगमन हो गया है, अब आप सुख लो कीर्तन का। बोलो श्री राधे। मुसीबत को भी पहले ही
रास्ता भी मेरा लाडली, मेरी मंजिल है कृष्ण प्रिया, रास्ता भी मेरा लाडली, ओ मेरी मंजिल है कृष्ण प्रिया, रास्ता धरती मेरा आसमान, मेरी धरती मेरा आसमान, मेरी लाडो सा कोई कहां, मेरी धरती मेरा आसमान, मेरी लाडो सा कोई कहां। आप लोग थोड़ा सा व्यवस्था बिगाड़ रहे हो भाई, इस बार ये कीर्तन की व्यवस्था नहीं है। कोई जल बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, आपको देख के हमारे तार जुड़ते हैं और आपकी स्थिति ऐसे देखेंगे तो हमसे तो नहीं हो पाएगा। मेरा निवेदन है जितनी देर आप पानी नहीं पियोगे उतनी देर हम भी पानी नहीं पिएंगे, लेकिन आप कृपया संकीर्तन का थोड़ा सा वातावरण बनाइए। अगर प्यास लग रही है तो हम 10 मिनट कीर्तन विराम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये व्यवस्था नहीं, इस तरह से नहीं। संकीर्तन का स्वरूप बिगड़ रहा है, हमारे तार बिगड़ रहे हैं, आपके बिगड़े ना बिगड़े आप जाना। हमने बैठते ही कहा कि ये 2 घंटे ही हमारी साधना, ये 2 घंटे ही हमारी पूजा, ये 2 घंटे का ही हमारा भजन, भले इसके लिए आप हमें सेवा दे रहे हैं, उस सेवा से भले ही ब्रज में जाकर के हम ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा कुछ भी करते हो, लेकिन ये ठीक नहीं है। आप लोग जल की सेवा ना करें, हमारा निवेदन है, करवत प्रार्थना है। आप सबको प्यास लगी है, आप सबको प्यास लगी है तो पानी की नहीं लगनी चाहिए, राधा रानी की प्यास लगनी चाहिए प्यारे। हाँ, थोड़ी देर के लिए जगाओ जगाओ अपने भीतर। राधा 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 श्री राधा 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 श्री
गई जिंदगी खुशनुमा, हो गई जिंदगी खुशनुमा, मेरी लाडो सा कोई कहा, हो गई जिंदगी खुशनुमा, मेरी लाडो सा कोई कहा। वो देखा भाला है सारा जहां, मेरी लाडो सा कोई कहा, चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, ओ मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, रानी के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, रानी के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, राधे के चरणारविंद श्यामा के चरणारविंद, ओ मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, हाँ मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधा रानी के चरणारविंद,
सतपुरी में आज भी मध्य रात्रि को ठाकुर जी की वहाँ तो उनकी मर्जी से ही सब सेवा चलती, कभी कभी ठाकुर जी शयन करते हैं आधा घंटा ही और फिर सुबह फिर ठाकुर जी की मंगला हो जाती है। तो ठाकुर जी की जब रुचि होती है तब शयन होता है, रुचि होती है जब श्रृंगार होता है। तो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ मंदिर में ठाकुर जी का रात को बड़ श्रृंगार होता है, अगर आपने दर्शन किया होगा तो बड़ श्रृंगार कहते हैं उसे रात्रि को, फूलों का पुष्पों का श्रृंगार होता है शयन के समय। प्राय शयन के समय श्रृंगार को मंगल किया जाता है कि ठाकुर जी को शयन होना है, लेकिन जगन्नाथपुरी में रात्रि को श्रृंगार होता है ठाकुर जी सुंदर पुष्पों के, यहाँ नासिका पे सुंदर सेहरा लगता है ठाकुर जी को, हस्त कमल में गजरे पहनाए जाते हैं, सुंदर पुष्पों की माला। तो पूछा गया जी कि रात्रि को शयन के समय इतना दिव्य श्रृंगार होता है, भव्य श्रृंगार होता है, पुष्पों का बड़ श्रृंगार उसको कहते हैं। तो बताया कि रात को जगन्नाथ जी श्रृंगार करके श्री वृंदावन जाते हैं, आज श्री वृंदावन की भावना से उनका श्रृंगार होता है, भीतर जगन्नाथ महाप्रभु बैठे। आप जितने उत्साह से राधा नाम गाओगे, जितने आनंद से, जितनी श्रद्धा से श्री जी को पुकारोगे, भीतर बैठे बैठे उनका वरद हस्त आपके शीश पर आ जाएगा प्यारे। ये सब मेरी किशोरी जी से प्रेम करने वाले बैठे, ये सब मेरी किशोरी जी को पुकारने वाले बैठे, और श्याम सुंदर उनका कोई नाम ले उन पर कृपा करने में देर कर सकते हैं, लेकिन श्याम सुंदर के समक्ष बैठ करके उनकी प्रिया जी को कोई याद करे तो श्याम सुंदर कृपा करने में देरी नहीं करते। इसलिए जगन्नाथ महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए, अति प्रसन्नता के लिए दोनों भुजा उठा करके, किसी ने पुष्पों की सेवा की है, किसी ने पोशाक की सेवा की है, किसी ने इत्र की सेवा की है, किसी ने मंदिर को सजवाया है, किसी ने रथ की सेवा की है, कल कोई रथ खींचने में लोग सेवा करेंगे, सेवा का सहयोग करेंगे, लेकिन हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम सब राधा नाम की सेवा करके जगन्नाथ महाप्रभु को प्रसन्न करेंगे। दोनों भुजा उठा करके कहिए, श्री राधा 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 dara 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 सारा जहां मेरी लाडो